हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माँ बेटी के पकवान। एक नई किरण नई उम्मीद है तो के साथ मैं शायद ज़्यादा अभी एक बार फिर आपको माँ बेटी के पकवान में इस्तेमाल करती हूँ। तो जी, आज की भी हमारी सुबह हुई है नाश्ते के साथ, और नाश्ता मम्मा लेकर आई। मौसम बहुत अच्छा, औरत मम्मा गई और मम्मा हलवा पूरी परांठे और सब कुछ लेकर आई, और मम्मा ने चाय भी बनाई। और आज जब मैं उठी तो नाश्ता दस्तरखान लगा हुआ था सारा कुछ। बाबा मज़ा आ गया। तो यहाँ पर जी अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में हमारे पास है चने, हलवा पूरी के आलू वाली तरकारी, हलवा। मम्मा अपने लिए अंडा बना के लें क्योंकि मम्मा को अंडा अच्छा लगता है परांठे के साथ सुबह नाश्ते में, और पूरियाँ। तो ठीक है, अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर आज की जो रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चाय आ रही है, चाय मम्मा पीने से बोल रही है। और जी ये रही चाय। तो जी यहाँ पर हो रही है बारिश, और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मेरे मुंह पर सीधे सीधे बारिश आ रही है, इस तरह से रुक है पानी का, और सीधा मेरे मुंह पर आ रहा है, और मेरे मैं बार बार पीछे हो रही हूँ इस तरफ से। और वो देख, कॉलेज की छत पर टैंकी के लिए अंकल आए हुए हैं देखने के लिए, अंदर गए, दरवाजा जहाँ खुला हुआ है। बहरहाल हम तो छोड़े हैं। तो यहाँ पर देखें आप कितना ज़्यादा धुआं धुआं हो रहा है, और ये सारी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। चाहे कैमरे में इतनी तेज नहीं लग रही मगर रियलिटी में अच्छी खासी बारिश हो रही है जी यहाँ पर, और धुएं से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो ठीक है जी, ये देखें, और वो देखें वो जो एक ग्राउंड है कितना पानी में हुआ हुआ है, वो ओए होए घुटनों तक पानी है उधर तो। और वो देखें कबूतर बैठा हुआ है। पापा ये क्या है? ये है जी, सुप्रीम कोर्ट ने सब जितने भी सियासतदान बैठे हुए इनका सुप्रीम कोर्ट में आना बंद कर दिया है। आज मना कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे, तो सब ये एक जगह बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमरान खान या इमरान खान तो नहीं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो इनके चेहरे तो वैसे यही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इमरान खान के हक में आ चुका है। तो सब हर एक बंदे का चेहरा उतरा हुआ है, राणा सनाउल्ला का इनका तो ज़्यादा ही उतरा हुआ है, बाकी मरियम नवाज बिल्कुल तब्दील हुई हुई है, बाकी भी हर लोगों का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। तो लगता यही है कि आने वाला वजीर आला पंजाब का परवेज़ इलाही होगा, जो इमरान खान के यानी पीटीआई की तरफ से होगा, और इंशाल्लाह आने वाला वजीर आज़म इमरान खान होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो जी अभी मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सौदा सुल्फ लेना, और यहाँ पर लिफ्ट आ रही है, 6th फ्लोर पर आ गई है, और अभी इसने 8th फ्लोर पर आना है। तो जी फिर मैं, एक मिनट मम्मा एक मिनट। तो जी फिर मैं नीचे से आ गई थी सौदा वगैरह लेकर, और मैं लेकर आई हूँ मिकाइल के लिए कस्टर्ड, लेकर आई मेरे लिए भी कस्टर्ड ले गई, मिकाइल का नाम ये कस्टर्ड तो मैं अपने लिए लाई हूँ। तो कस्टर्ड लेकर आई, यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर लेकर आई, ये रही माचिस, और ये रहा मैदा, मैदा और कॉर्नफ्लोर से आई हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्राइस, तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ये दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें लेकर आई, और कुछ सामान वगैरह भी लाई हूँ। तो अभी मैं फ्राइज़ बनाती हूँ, और जो जो करती रहूँगी वो आपको दिखाती रहूँगी। और नीचे की सारी दुकानें बंद थी, मैं गाल के तिथरी में लेने भी गई थी मगर कोई दुकानें नहीं खुली हुई थी, और उसका व्लॉग बनाना मुझे याद नहीं रहा। मम्मा ने ऊपर आकर कहा व्लॉग ही बना लेती, मैंने कहा हाँ यार मम्मा व्लॉग बनाओ तो याद ही नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं आगे से ही। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इधर कस्टर्ड बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड ले लिया था, वनीला पहले हमारे पास था मगर वनीला मुझे इतना खास टेस्ट नहीं लगा, स्ट्रॉबेरी पसंद है मुझे और मैंगो पसंद है। तो ठीक है यहाँ पर मैंने मैंगो कह रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो कस्टर्ड ले लिया, और इसको पानी में घोल लिया, या मैंने कोई 1.5 चम्मच लिया है, 1 टेबल स्पून ही लिया है, 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड का लिया है, और उसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छे से घोल लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूध उबाल रही हूँ, दूध उबल जाता है तो फिर इसमें कस्टर्ड डालते हैं, और चीनी के मैं डाल लूँगी ये कोई 2 कप दूध के हैं, क्रीम मिल्क है। ठीक है, तो उसमें इस वजह से मैं चीनी के डालूँगी तकरीबन 4-5 चम्मच डाल दूँगी मैं चीनी के, हमारे पास हो गए 1 टीस्पून है, तो उसके मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तब मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी अब बारी आती है फ्राइज बनाने की। ठीक है, तो जी फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, मेरे पास कॉर्नफ्लोर मौजूद है, मेरे पास मैदा मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आलू को भी मैं अच्छे से धोऊंगी, जो मिट्टी है ना ये सारी चली जाएगी, ये देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई आलू पे। तो ठीक है, अभी मैं इन कलरों को आलू को धो लेती हूँ इस तरीके से, इनको फ्राइज़ की शेप में कट कर लेती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है इसके साथ। तो जी यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है, और ये देखिए
इतने बड़े बड़े आलू के पीसेस हैं और ये पापा ऐसे आलू बड़े बड़े लाते हैं प्राइस के लिए। तो ठीक है, इधर आलू वगैरह कट हो गए और यहाँ पर मैंने 3G पाउडर का बना लिया है। इधर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच मैंने लिया है मैदे का, 2 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का और 1-2 पिंच मैंने लिया है नमक की और इन सबको मिक्स कर लिया। और अब मैं जो है फ्राइज़ को धो लूँगी अच्छे तरीके से पानी से और इसे खुशक कर लूँगी और ये पाउडर को इस पर अच्छा रख लूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए 1, 2, 3। तो जी यहाँ पर हमारी फ्राइज़ बन के रेडी हो गई हैं और यहाँ पर अभी सारी नहीं बनी, यहाँ पर थोड़ी सी बनी है, यहाँ थोड़ी सी रखी हुई है और यहाँ पे भी कुछ बाकी पीछे की जो बनाते हैं उसे इग्नोर कीजिएगा। तो ठीक है जी, इधर फ्राइज़ बन के रेडी हो गई है, मैं ये सर्व करती हूँ बाबा भैया को देती हूँ और भैया को बुखार चढ़ा हुआ है अभी भैया का, हम भी अभी हमें पता चला भैया अपना मोबाइल चला दिया अचानक से, भैया उस वाले कमरे में बैठे और कंबल उड़ के लेट गए। तो जब मम्मा ने पूछा, पापा ने पूछा कि क्या हुआ एकदम से क्या हुआ, तो भैया ने बताया कि मुझे बुखार सा लग रहा है और दुआ कीजिए भैया की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर फ्राइज़ खा लेते हैं और फिर बाद में जो करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए कस्टर्ड बना लिया था और कस्टर्ड जम गया और कस्टर्ड ठंडा ठंडा सा हो गया और कस्टर्ड देखे ऐसा हम कस्टर्ड खाते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा लिक्विडी, नॉर्मल टेम्प मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड हो। और यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ कस्टर्ड को। क्या कर रही हैं आप? ओहो दा, मैंने आपको तो बताया नहीं मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल मैं पापा बना रहे थे कह रही सॉरी पापा कह रहे थे कि कीमा बना लो झटपट, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर से कुछ नहीं आ सकता, बाहर जा नहीं सकते लेने के लिए, बहुत पानी खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने जल्दी से कीमा निकाला और उसमें हर मसाला पा दिया मिर्ची और अच्छा मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, हैदराबादी कबाब। मैंने कच्चे कीमे की बिरयानी सुनी है मगर उसमें भी कच्चा तो नहीं होता, गोश्त पका हुआ ही होता। अच्छा मैंने इसमें क्या डाला था कच्चे कीमे के कबाब में, सॉरी आप लेटी हुई थी मिकाइल को लेके इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो मैंने अदा इसमें डाला है नमक, साबुत धनिया कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ और कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई और नमक बता दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट और मैंने इसमें डाला है हल्दी प्याज और धनिया पाउडर, कूटा हुआ धनिया डाला ना इसमें, चाट मसाला डाला, चाट मसाला थोड़ा डाला और पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला डाला और अंडा डाला है, मीठा सोडा डाला है और 3 चम्मच बेसन के भून के वो डाला है। ओके। और मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया है तकरीबन ये आधा घंटा हो गया, दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ इसको। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब देखते हैं बनते कैसे। आधा मैं भी खुद बस की बात है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, हम नहीं किसी को बताएंगे। तो जी जनाब मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको सारा बता दिया इसमें क्या क्या डले हैं और बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि किस तरह बन रहे हैं। और झटपट बना लेते हैं कच्चे कीमे के कबाब, इसमें तकरीबन आधा मुश्किल से 10 मिनट का मैरिनेशन का काम, बजाइए चुटकी और हमारे कबाब बन जाएंगे। थोड़ा आगे करके तो बजाइए, अभी भी नहीं सही हाथ नजर आया, चुटकी पे तो लेकर आओ, एक मिनट चुटकी इधर रखें। रहते हैं तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लोग चपली कबाब नहीं सादे कच्चे कीमे के कबाब बल्कि मम्मा की लैंग्वेज में तैयार हो गए हैं और अब हम खाना खा रहे हैं रात का। और जी इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त बारिश भी, आप ये जो सारा पानी आ रहा है ना छीटे छीटे, ये बारिश का बहुत तेज़ पानी आ रहा था, स्क्रीन पर भी पानी आ गया था सारा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ था और आज बारिश की वजह से जो है बापू की ऑफिस की भी छुट्टी हो गई। जी हाँ, तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट पर बहुत शौक से पढ़ती हूँ, इसलिए आप किया करें यार कमेंट्स। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।